जो परफॉर्मेंस मैंने देखा है अपने सामने अपने सेना के जवानों का, उसके लिए भी मैं अपने सेना के जवानों को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बधाई देता हूँ। जब भी दशहरा का अवसर होता है, सामान्यतः हमारी तरफ से ये कोशिश रहती है कि मैं दशहरे के पर्व को अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले जवानों के बीच में ही जाकर मैं पूरी करूं। और इसीलिए जब दशहरा का पर्व आया है, विजयादशमी का पर्व, उस अवसर पर मैं आप सबके बीच यहां पर आया। मुझे बताया गया कि यहां पर बड़े खाने का आयोजन है। बड़ा खाना पहले भी मैं खा चुका हूं, लेकिन मैं यह समझ नहीं पाता कि बड़ा खाना इसे क्यों कहते हैं। खाना तो खाना, शायद जो बड़ा खाना जिसे कहा जाता है, इस खाने में वो खाना मिलेगा नहीं, फिर भी इसे बड़ा खाना कहा जाता है। सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा, चाहे हमारा कोई जवान हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे देश का रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जिस दिन सभी एक साथ मिलकर भोजन करते हैं वह बड़ा खाना खाया जाता है। और यह संकेत जाता है, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। बहनों भाइयों, यदि मैं बोल रहा हूं तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग भले ही राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आज मैं रक्षा मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, लेकिन जब भी मैं जवानों के बीच जाता हूं तो मुझे बेहद खुशी होती है। मेरे अंदर भी उमंग और उत्साह पैदा होता है। एक ही बात मेरे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि मैं अपने को मोटिवेटेड फील करता हूं। जब भी देश के ऊपर संकट आया है, चाहे किसी प्रकार का संकट, सीमा के ऊपर संकट आया हो, प्राकृतिक आपदा आई हो या अन्य किसी प्रकार की कोई मुसीबत आई हो, तो अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर उसका मुकाबला करने का काम, लोगों को सुरक्षा देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी भारत की सेना के जवानों ने किया है। आप में तो ताकत है ही, आपके वर्दी में भी ताकत है। मैं जानता हूं इस देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों की यह उत्कट इच्छा होती है कि जिंदगी में हमको एक बार सेना की वर्दी पहनने का अवसर मिल जाए। हमारे बहुत सारे सांसद विधायक भी हमसे ये आग्रह करते हैं कि साहब आपके यहां एक प्रोविजन है टेरिटोरियल आर्मी में या कहां कुछ, तो हमारी भी उसमें भर्ती करा दीजिए ताकि हम भी जिंदगी में एक बार वर्दी पहन लें, भले ही वह राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हो। हमारे यहां एक मंत्री जी हैं और वो हैं टेरिटोरियल आर्मी, आपके वर्दी का यह करिश्मा, और देश की जनता को आपके ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत ही विश्वास है, और हम सब पूरी तरह से आश्वस्त हैं, सारा देश आश्वस्त है कि देश के ऊपर कोई संकट आएगा, मुसीबत आएगी, तो आपके कारण हम संकटों और मुसीबतों पर विजय प्राप्त करेंगे और भारत का मस्तक ऊंचा करेंगे। मेरे बहादुर जवानों साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का स्टेचर बढ़ा है, भारत का जो कद बढ़ा है, केवल भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होने के कारण नहीं बढ़ा है, वह आपके कारण भी बढ़ा है। हम यहां पर अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, यानी इकॉनमी की साइज के मामले में, यहां पर 8-9 वर्ष पहले 10वें 11वें स्थान पर सारी दुनिया में हुआ करते थे। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच करिश्मा किया है भारत ने कि आज वह जंप लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर आ गया है। और आप भी लिख लेना इस बात को, वह दिन दूर नहीं है, 2024 आने वाला है, 2027 आने के पहले पहले ही भारत हमारा दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो जाएगा। आपने देश को सुरक्षा न दी होती, आपने देशवासियों का हौसला न बुलंद किया होता, यह सब किसी भी सूरत में संभव नहीं था। कभी कभी मैं विचार करता हूं कि वह कौन सी दवा है या कौन सी वह खुराक है जो आपके अंदर वह जज्बा पैदा करती है अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश को सुरक्षा देने की। मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूं, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, नेशनल प्राइड,
यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। हर मनुष्य स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमान व्यक्तिगत भी होता है, परिवार का भी होता है, समाज का भी होता है, राष्ट्र का भी स्वाभिमान होता है, वही राष्ट्र की स्वाभिमान की भावना आपके अंदर है, जिसके कारण अपना आप सर्वस्व लोछावर करने को तैयार हो जाते। और इस स्वाभिमान की भावना मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य को खाना न मिले दिन दो दिन चार दिन चलेगा, लेकिन यदि कोई भी उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, उससे वह दो दो आंख करने के लिए तैयार हो जाता है। यह होती है स्वाभिमान की भावना। भारत जब हमारा परतंत्र था, उस समय भी आपने देखा चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस और साकुल्ला खान जैसे 20 साल 21 साल के जवानों ने हफ्ते हफ्ते फांसी के फंदे को चूम लिया। भारत माता के पैरों में बड़ी दाता की बेड़ियां कटी। वो कौन सी भावना थी? वो व्यक्तिगत भावना नहीं थी, परिवार के स्वाभिमान की भावना नहीं थी, राष्ट्र के स्वाभिमान की भावना थी। यह होती है ताकत राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना में, और वही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना आपके अंदर है कि आप अपना सर्वस्व व्यवस्थावर कर देने के लिए तैयार होते हैं इस देश की सुरक्षा। कल्पना करिए, चंद्रशेखर आजाद अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने दुश्मनों को इसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में भूनते भूनते, जब रिवाल्वर में अंतिम गोली से बची तो उन्हें बात की चिंता सताने लगी, कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसने अपने रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में ही डाल लेने का काम किया था, तब जाकर भारत आजाद हुआ है। यह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। अशफाकुल्ला खान 21 साल की जवानी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई, देखभाल करेगी, परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्ला ने दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी, मां मुस्कुरा कर मां के आग्रह को टाल देगा। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई और फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्ला खान ने मुस्कराते हुए कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां से वो यह संदेश दे दे, तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है, अपनी शादी रचा रहा है। मजिस्ट्रेट ने कहा, क्या अशफाकुल्ला तुम फांसी के तख्त पर खड़े होते पागल हो गए, मानसिक संतुलन खो बैठे? कहां है वो लड़की जिस लड़की के साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर शादी रचा लिया? अशफाकुल्ला ने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया, अंधे तुम हो गए। क्या तुझे दिखाई नहीं देता? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, वही हमारी महबूबा है, जिसे आज मैं गले से लगाकर इसके साथ शादी रचा लिया। यह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की। और मेरे बहादुर जवानों, मैं कह सकता हूं हमारे देश की सेना के अंदर इसी प्रकार के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके अंदर इसी प्रकार का जज्बा है, जिस कारण हमारा देश यह सुरक्षित है। मैं अभी कुछ दिनों पहले इटली गया। इटली में एक स्थान मोंटेनो है, वहां भी गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उसको स्थान को लिबरेट कराने का काम मराठा लाइट इन्फेंट्री ने किया। और आज भी वहां पर जो शहीद हुए थे हमारे वीर नायक यशवंतराव भूमि, उनका मेमोरियल बना हुआ था। मैंने स्वयं इच्छा व्यक्त की कि अगर मैं इटली आया हूं तो मैं उस स्थान पर जाना चाहूंगा जहां हमारे भारत के सेना के जवानों का खून गिरा हुआ है, वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाऊंगा। काफी दूर था, लेकिन हेलीकॉप्टर से मैं गया और वहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
दुनिया के कई देशों में मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, भारत के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम की गाथाएं दुनिया के दूसरे देशों में सुनाई जाती है। यूनाइटेड नेशन 20 की उसमें भी हमारे किस तरीके से सेना के जवान दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में वहां की शांति और सुरक्षा को कायम रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, इसकी जानकारी आपको होगी। शोहरत है और उस शोहरत को आप बनाकर रखेंगे, इसके प्रति भी हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आज ये बड़े खाने का अवसर है, इस पर कुछ मैं समझता हूं कि ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं होना चाहिए क्योंकि समय भी हो गया है, इसलिए इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सबको विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपका यह तेज, आपका यह शौर्य पराक्रम सदैव प्रखर होता रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।